जय मसीह की। मुझे सांस लेने की दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी मुझे सांस लेने में काफ़ी दिनों से, यानी बचपन से ही ये बीमारी थी मुझे। बहुत दवाइयाँ हुई पर आराम नहीं मिला, बहुत परेशान थी इस बीमारी ने मुझे बहुत परेशान किया और बहुत गरीब बना दिया था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी इस बीमारी से, डॉक्टर बोलते थे इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत दुखी थी मैं, कभी कभी मेरे पति और मेरे में झगड़ा भी हो जाता था इस बीमारी के चलते। वो कहते थे मेरी नसीब खराब हो गई जो तुमसे शादी हो गई मेरी। मैं बहुत अफसोस करती थी, दुखी होती थी। लेकिन आज ये बीमारी मेरे पूरे परिवार को थी, लेकिन प्रभु ने मुझे इस बीमारी से छुड़ाया और मुझे चंगाई मिल गई है। इस बीमारी से मुझे चंगाई मिल गई है, मेरे पूरे परिवार को इस बीमारी से चंगाई मिल गई है, और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। इन्हें दमे की बीमारी थी और सांस लेने में दिक्कत होती थी। हाँ बहुत। और कब से थी? बहुत बचपन से ही। बचपन से दमे की बीमारी थी। हाँ। आपने आपको मालूम है इनके साथ पास्टर जी आए हैं यूपी से। हाँ। आप भी आ जाइएगा, ये ही लेकर आए हैं मुझे यहाँ पे। तो इन्हें बचपन से दमे की बीमारी से, आप सब लोग इस बात को समझे, बचपन से दमे की बीमारी और इन्हें सांस लेने में दिक्कत आती थी। दमे से क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती, परेशानी होती है बचपन से। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो दमा था ये सिर्फ इन्हें बीमारी नहीं थी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला श्राप था। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला श्राप था इनके परिवार के अंदर भी, ये जो थी समस्या हाँ, थी। हाँ, मेरे पिताजी को थी। हाँ, तो इनके पिताजी को भी दमे की समस्या थी, और फिर उसके बाद फिर मुझे। हाँ, और आपके बाद अब मेरे परिवार में मेरी बच्ची प्रीति है उसको। हाँ, और इसकी इनकी बेटी को। हाँ, और इनके परिवार में। हाँ, समझ ले, ये होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला शराब। तो पीढ़ी दर पीढ़ी शराब चला आ रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी शराब चला आ रहा था। और ये पास्टर जी हैं जो यूपी में सेवकाई करते हैं, अखिलेश इनका नाम है, और ये इस फैन को लेकर आए। पिछले दिन जब ये आए थे हम लोगों ने प्रार्थना की, पर यीशु मसीह जी ने चंगा किया। यस, आमीन, हालेलुया। ये शराब टूट गया, नहीं तो फिर उनके आगे बच्चे, उनके आगे बच्चे, सारे खानदान में आगे के आगे ये शराब फैलता जाता है। आप जानते हैं इस बात को, ये 50 साल ही नहीं शराब चलते, 100 साल, 200 साल, 400 साल, जितने लंबे शराब चलते रहते हैं। हम लोगों को याद रहता सिर्फ 100 साल की, शायद 50 साल तक याद रहती है बातें कि हमारे ऐसा हुआ था। लेकिन ये लंबे चलने वाले शराब होते हैं, पर यीशु मसीह जी ने इन शराबों से, इस जो दमे की बीमारी थी, असल में दमे की बीमारी बहुत इन्होंने दवाई ली, आराम नहीं आया, वो शराब थे, उन शराबों को यीशु मसीह जी ने तोड़ा। अब ये सैकड़े किलोमीटर चलकर यूपी से यहाँ राजस्थान में आए हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी को, बिशप जी को भी, और अखिलेश पाठक जी को भी, जो यहाँ मुझे लेकर आए और आपसे मिलाए और मुझे प्रभु ने चंगाई दी। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे महान पिता परमेश्वर जी, प्रभु जी, आपको धन्यवाद करती हूँ। तो ये पास्टर अखिलेश को भी शायद आपने देखा होगा, क्योंकि एक दो बार यहाँ आ चुके हैं। इन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, परमेश्वर की सम्मत को पाया, परमेश्वर के दर्शनों को पाया, और पहले इनका जो घर था वो मिट्टी से बना था, मिट्टी से, है ना, कच्चे ईंटों से नहीं, मिट्टी से बना हुआ था। मैंने वो फोटो देखे हैं। और अब कितने रूम उसमें? 9 रूम बनाए, 9 रूम, 9 कमरे बनाए हैं। हालेलुया, 9 कमरे बने हैं, और इन्होंने सेवकाई भी शुरू कर दी है वहां पर, और 9 कमरे बने हैं। प्रभु यीशु मसीह इनके द्वारा अद्भुत काम करते हैं, वहां पर बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। और ये ऑनलाइन प्रार्थना सुन रहे थे, और ऑनलाइन प्रार्थना में इन्होंने ब्लेसिंग को पाया, आशीष को पाया, और फिर उसके बाद यहाँ आए, मुझसे मिले, हम लोगों ने इनका तेल से अभिषेक किया, और प्रभु यीशु मसीह जी उसके बाद में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा इन्हें ब्लेस किया, इन्हें खुद को ब्लेस किया और बाकी सबको भी प्रभु यीशु मसीह ने ब्लेस किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। इनकी सास को शुगर व बीपी की बीमारी थी, बहुत ज्यादा हालात खराब थे,
पिछले रविवार को प्रार्थना करवाई, आप पहले से काफी ठीक हैं। सबको जय मसीह की। पिछले संडे हमने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई थी, तो मेरी सास को शुगर बीपी बहुत हैवी रहता था, तो हमने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई तो अब वो बहुत ठीक है। और सीरियस बहुत थी, हमने अपनी नंदो को फ़ोन किया, अभी आपकी माँ बहुत बीमार है, आके मिल जाएं आखिरी बार। तो हमने प्रार्थना करवाई, यहाँ लेकर आए थे मेरी सास को, अब वो बहुत ठीक है और खाती पीती हैं। हालेलुया। तो देखिए, इनकी सास बीमार थी, शुगर बीपी की बीमारी थी, ये हल्की सी बात नहीं। वो कह रही हैं बेटी के, उन्होंने अपनी नंदों को यानी कि उसकी बेटियों को फोन करके बुला लिया था, भी आप आखिरी बार आकर क्या करो, उसको देख लो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने, जैसे पिछले संडे को ये आए और उनके लिए प्रार्थना हुई, प्रभु यीशु मसीह जी ने चंगा किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं।